है जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है ये शान है हमारी। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ऐतिहासिक प्रथम गणतंत्र में। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1950 को पहले से चला आ रहा अंग्रेजों का कानून यानी भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी दिन देश को अपने पहले राष्ट्रपति मिले थे। वर्ष 2022 में भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आइए जानते हैं देश भर में इस राष्ट्रीय पर्व को कैसे मनाया जाता है। देश भर में गणतंत्र दिवस उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की तीनों सेना, थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना का दल भाग लेता है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित रक्षा बल अपने कौशल, पराक्रम और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। स्टंट करने के अलावा एयर शो, मोटर बाइक पर स्टंट, टैंक और अन्य हथियारों को भी भारतीय जनमानस के सामने दिखाया जाता है। इसके साथ ही खूबसूरती से सजाई गई झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, जो भारत के विभिन्न राज्यों की विशेषता, सुंदरता और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती है। इसके अलावा गली, चौराहों, स्कूल कॉलेज जैसे कई जगहों पर शो और कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। तो दर्शकों, हमने जाना कि वर्तमान में गणतंत्र दिवस का पर्व कैसे मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया था? 1950 में जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो कहाँ इस दिन का जश्न मनाया गया? पहले गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ और कैसे हुई? कौन कौन इस परेड में शामिल हुआ? क्या हर साल की तरह 1950 में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा ही तिरंगा फहराया गया? गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर आज हम जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस दिल्ली में ही मनाया गया था। एक लेख के मुताबिक भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार तिरंगा फहराया था। उनके ध्वजारोहण करने के बाद परेड की शुरुआत हुई। लेकिन 1950 की गणतंत्र दिवस परेड अब की तुलना में इतनी भव्य नहीं थी। हालांकि आजाद भारत के लिए पहली गणतंत्र दिवस की परेड किसी ऐतिहासिक दृश्य से कम भी नहीं थी, जिसकी एक झलक के लिए कनॉट प्लेस पर लोग एकत्र हुए थे। इस परेड में थल, वायु और जल सेनाओं की कुछ टुकड़ियां शामिल हुई थी। उस दिन ना तो किसी तरह की झांकियां निकाली गई थी और ना ही हवाई करतब दिखाए गए थे। हालांकि भारत के पास उस समय भी डकोटा और स्पिटफायर जैसे छोटे विमान जरूर थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। वहीं आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह गवर्नर जनरल के पद पर तैनात सी राजगोपालाचारी भी पहले गणतंत्र दिवस का हिस्सा बने थे। तो इस तरह हमने पूरे हर्षोल्लास के साथ अपना
पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। दरअसल भारत का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक कारण था। तो आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में। साल 1929 में 31 दिसंबर को राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें यह घोषणा हुई थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने जब कुछ नहीं किया तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। और फिर आया वो दिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस सभा ने 9 दिसंबर 1947 को अपना काम शुरू कर दिया। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 2 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया था। इसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। भारत का इतिहास हमेशा से ही गौरवान्वित करने वाला रहा है। इसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। हमारा देश उन विकासशील देशों में से है जो सबसे ज्यादा जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मुझे गर्व है मेरे देश पर, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।